अलाउ नहीं करेंगे। चलना यार, वहाँ सब होंगे, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट। नहीं आ सकती यार रागिनी, डैड घर पर ही है और तुझे तो पता है ना सिचुएशन। ठीक है तू रुक, मैं बात करके आती हूँ। ओके एक्सक्यूज मी, अंकल कहाँ है? सर तो फोन पे बात कर रहे हैं, कहो क्या काम है? वो एक्चुअली मुझे उनसे इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी चेक करके आओ। सर मैंने अभी आधा घंटा पहले सिक्योरिटी चेक किया सर, सब ठीक है सर। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, किसी भी हादसे को होने के लिए कुछ ही मिनटों की जरूरत होती है। I don't want my security compromised, is that understood? सर मैं दोबारा चेक करता हूँ। प्लीज। ओह हेलो बेटा। हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम गुड। वो मैं आपसे जानवी को अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन मांगने आई हूँ। ओह वेल आई एम सॉरी बेटा, जानवी कहीं नहीं जाएगी, आई सजेस्ट यू कैरी ऑन। अंकल दो दो बॉडीगार्ड्स है उसके, फिर भी आप उसे कहीं जाने नहीं देते। अगर अपने सामने ही रखना था फिर ये बॉडीगार्ड्स का क्या फायदा? जानवी का फायदा और नुकसान मैं देख लूंगा, फिलहाल तो आप यहां से चली जाएं, वरना तुम दोनों का मिलना हमेशा के लिए बंद। इज दैट क्लियर? सर मैंने सारी सिक्योरिटी चेक कर ली, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है वर्मा जी, जानवी के बॉडीगार्ड्स डबल कर दो, खतरा बढ़ गया है। सर दोबारा से फिरौती के लिए फोन आया था क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, जानवी तुम लोगों की नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए, एक मिनट के लिए भी नहीं। डैड, बोलो बेटे क्या है? अपने ही घर में प्रिजन बना के रखा हुआ है, कहीं आने जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते, ये कैसी लाइफ है डैड? What's wrong with you, बेटा? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ऐसे कैद होकर जीना किसी के लिए अच्छा नहीं होता डैड। जान, तुम जानती नहीं तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी जान इस वक्त खतरे में हो सकती है। और इस घुटन में अगर मैं मर जाऊँ तो? आज अगर मॉम होती ना तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती। जानवी, अश्विन सर, सर सर दो और नए बॉडीगार्ड्स। जाओ अपने कमरे में जाओ। कर दीजिए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े, आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। गुंडे कहाँ है? गुंडे वो भी यही थे, बहुत मुश्किल से पीछे छुड़ा के भागी हो सकता है आपको देख के भाग गए हो। प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। ठीक है चलो। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? अपनी फ्रेंड के यहाँ। लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि मैं आ रही हूँ। क्या बाइक साइड में रुका सकते हैं? साइड में श्योर। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे अपनी फ्रेंड को फोन करना है। श्योर। लेकिन वैसे तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? फोन लेकर आती तो डैड मुझे आराम से ट्रैक कर लेते हैं। वो शायद कहीं गिर गया होगा, वो कुंडे पीछे पड़े थे ना। ओह
राइट मैं फोन ही नहीं उठा रही है क्या करूं एक बार ट्राई करती वैसे तुम अपने दोस्त के घर क्यों जा रही हो अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूं नहीं घर नहीं क्यों क्योंकि वो गुंडे जानते हैं ना कि मैं कहां रहती हूं ओह राइट और अगर मैं वापस चली गई तो कहीं वो मेरे फैमिली को भी बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचे ओह गॉड पहले क्यों नहीं पता इतने खतरे में तुम्हारा खुला घूमना इस तरह ठीक नहीं है रुको पहले तुम ये स्कार्फ पहनो तुम्हारा चेहरा छुप जाएगा क्या अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पहनना पड़ेगा अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसकी कोई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमने कुछ खाया क्या कह रही हो मशीन निकाल लो क्या कह रही हो सुनाई नहीं दे रहा अब कहो क्या कह रही थी कुछ नहीं दम घुट रहा था मेरा आई एम सॉरी पर ये करना जरूरी था अगर वो गुंडे फिर मिल जाते तो बट एनीवेज अब तुम रिलैक्स कर सकती हो अब तुम डेंजर जोन से बाहर हो रिलैक्स कैसे करो रिलैक्स पेट में चूहे दौड़ रहे तुमने तो कहा था अब खाएंगे ऑफ कोर्स खाएंगे इस पेड़ के नीचे खाएंगे यहाँ इस लेकिन खाना बस एक मिनट रुक जाओ